है निफ्टी निफ्टी बैंक का हमारा अप्रोच, ये सिर्फ इक्विटी वाले क्यों काम करें? लाइए जरा एचडीएफसी सिक्योरिटीज का अनुज गुप्ता को उठाइए। उठे क्या अनुज? जी सर। क्या अनुज जी, छुट्टी बना रहे हो आज क्या आप? नहीं नहीं सर, ऑफिस में सर। क्यों सर? गोल्ड सिल्वर में तेज बनाया तो उसको थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं सर। तो ये घर से एंजॉय कर लेते यार, ऑफिस आने की जरूरत क्या थी? लेकिन गजब उठाइए ऑफिस में। सर ये ना कि ऑफिस में आके थोड़ा दिखाएं कि हाँ सिल्वर ने भी आउट परफॉर्म किया है। सीना थोड़ा तान के चले है ना, इक्विटी डेस्क के सामने सीना तान के चले थोड़ा सा। बिल्कुल सर बिल्कुल। रिकॉर्ड ऊंचाई पर है चांदी के दाम, कल 92,536 इन लेवल्स तक जुलाई वादा पहुंचा। एक दिन में 4.5% भाव उछला। कॉमेक्स पर भी 11 सालों की ऊंचाई पर दाम है चांदी के। अनुज ये प्रेशियस और इंडस्ट्रियल दोनों का फायदा उठा रही है क्या? बिल्कुल सर, हमने कॉपर को भी देखा कि लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है और करीबन इस साल में 25% का रिटर्न दिया है अभी तक, और चांदी ने करीबन 22% का रिटर्न दिया है। तो इंडस्ट्रियल मेटल से पूरा सपोर्ट मिला है चांदी को, और अब चांदी जो है $30 का जो बैरियर था उसको ब्रेक करके अब ऊपर निकला है। तो हमें लग रहा है कि दोनों ही तरफ से इसको सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, चीन में कुछ राहत पैकेज की बात तो खैर वो सब अपनी जगह, मूव तो खैर अपना गजब का है। अनुज क्विकली सोने को लेकर, ऐसा नहीं कि मूव वहां पे नहीं बन रहा है, अब सोने को लेकर क्या व्यू बन रहा है आप लोग का? करंट भाव डॉक्टर साहब स्क्रीन पर रखिएगा, उसकी भी चमक बढ़ रही है। 1.5 हफ्तों की ऊंचाई पर मेरे ख्याल से कल दाम पहुंच गए। जी बिल्कुल, करीबन 17% रिटर्न दिया है गोल्ड ने अभी तक। हाँ। और करीबन 24 से $14 के आसपास चल रहा है। हमें लगता है कि मतलब करीबन आपको हो सकता है कि ईयर एंड तक ये $2,500 तक भी जा सकता है। तो गोल्ड हमें लगता है कि ये भी अब एक अपने मोमेंटम में है और जल्दी ही आपको $2,500 के लेवल गोल्ड में आते हुए दिखाई देंगे। कल इंटरनेशनल एक तवर आपकी सेकेंड प्लेट दिखाई डॉक्टर साहब, कल मेरे ख्याल से गोल्ड 2387 पे इक्विटीज ने छोड़ा था, मतलब उस समय 3:30 बजे $2,420 प्रति आउंस पे खड़ा हुआ है। इस तरह से ओवरनाइट गोल्ड में जंप है। सिल्वर में मैप नहीं करता हूं, गोल्ड मैप करता हूं। तो इक्विटी वाले जहां छोड़ के गए थे, देखिए कहां खड़ा हुआ। अनुज खैर आपका धन्यवाद सुबह सुबह वक्त निकालने के लिए।